राजभवन लाइब्रेरी एकेडमी रोड पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सिने अभिनेता पद्मश्री टॉम ऑल्टर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बताते चलें कि मशहूर फिल्म अभिनेता टॉम ऑल्टर का जन्म मसूरी में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई। मसूरी से उनका गहरा नाता रहा है। उनके माता पिता मसूरी में ही अपना जीवन यापन करते हैं। टॉम ऑल्टर ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी। उनके बेहतर अभिनय को देखते हुए उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया। वहीं बेहतरीन अभिनेता के होने के साथ ही टॉम ऑल्टर लेखक और पत्रकार भी रहे और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का उन्होंने पहला इंटरव्यू प्रकाशित किया था। साथ ही इस मौके पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संरक्षक रूपचंद गुरुजी ने कहा कि टॉम ऑल्टर मसूरी के लोगों से बहुत प्यार करते थे और यहाँ के निवासी होने के नाते यहाँ पर होने वाली हर गतिविधियों में प्रतिभाग करते थे। मसूरी में खेलों को और बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान भी दिया। टॉम ऑल्टर जी की पांचवी पुण्यतिथि है इनकी और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन हर साल इनकी पुण्यतिथि को कार्यक्रम को आयोजित करता है और क्योंकि मसूरी के प्रत्येक व्यक्ति से उनको बड़ा प्रेम था, मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन से बहुत प्रेम था और हम उनके ऋणी हैं जो वो मसूरी से इतना प्रेम करते थे और वो एकमात्र मनुष्य थे कि मसूरी के लिए जब घंटाघर का यानी कि टूट गया था तो मसूरी आए तो उन्होंने देखा घंटाघर कहाँ चला गया ऐसे, तो वो किसी से कुछ नहीं बोले और एक दिन का मौन धारण किया और यानी कि उसी का रिजल्ट ये हुआ दोबारा घंटाघर बनाया गया और चाहे उनके इस आंदोलन से बनाया गया या उनकी सोच से बनाया गया, परंतु वो एक खेल प्रेमी, एक फिल्म निर्माता और यानी कि लेखक और सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट में जो तेंदुलकर जी का इंटरव्यू लिया था सबसे पहले भाई साहब ने ही लिया था, टॉम जी ने लिया था और मसूरी में वो चाहते थे कि मसूरी एक बहुत अच्छी जगह बने, खेल की सुंदर जगह बने, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के जो लोगों से आपस में तालमेल है वो बहुत बढ़िया है। अब लड़ू स्टेडियम के लिए वो बहुत ही जी जान से लगे भी थे और दिनेश अग्रवाल जी से भी मिले, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, मगर उनका सपना पूरा नहीं हुआ। मगर एक उनका सपना था कि 42 किलोमीटर रेस यहाँ से करजे हिल मैराथन की जाए, वो आज तक पूरी नहीं। क्या पता ये 50वीं वर्षगांठ है मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की, शायद मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन 50वीं वर्षगांठ पे 50 किलोमीटर रेस की आयोजन कर सकेगा, शायद हो सकेगा, तो हम जरूर करेंगे इसके लिए। जनपद के सभी क्षेत्रवासियों को राज्य मंत्री राजा मंकेश्वर शरण सिंह के सानिध्य में मोहम्मद अशरफ प्रधान प्रतिनिधि भैलाई कला तिलोई जनपद अमेठी की तरफ से नवरात्रि दशहरा वारा रवि अवल व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।